अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो भाई चक्कर ये है कि मक्स इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने मुतारिफ करवाया है मुल्तान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी में आपके अपने भाई को इनवाइट किया गया था। तो मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो टाइम मैनेज करे और इस तरह के इवेंट को जाके अटेंड करे, लेकिन बात यह है कि यार दोस्तों की बातों को तो कोई नहीं टाल सकता ना। तो मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है और मेरी डिपार्टमेंट मेट है अन्ना महमूद, और उन्होंने डेफिनेटली मुझे इस इवेंट पे इनवाइट किया। तो बात वही है कि यार दोस्तों की बातों को तो कोई मेरे ख्याल में मना नहीं कर सकता। तो हमने उनकी बात मानी और हम पहुंचे इवेंट में। तो खैर चलें, चलते हैं इवेंट की जाने फिर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त और मशहूर ब्लॉगर, आजकल बहुत ज़्यादा नाम है इनका, जनाब हाथ हिला दीजिए। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं और ये हमारी टीम के कुछ नौजवान, कुछ टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। सीरत बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं, रैपर हैं। वसीम बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और तलहा मेरे ZTC में मेरे साथ रहे हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। खैर अभी हम यहाँ पर मज़ीद और सारे जो हमारी टीम है वो इकट्ठी होगी, उसके बाद हम जाएँगे। सिर्फ और सिर्फ इस मनहूस का इंतज़ार था और ये हमारे मनहूस मेरे प्यारे मीर उमर अता फ़कीर, पीर फ़कीर साहब आ चुके हैं। अच्छा, अब हम निकलने के लिए तैयार हैं जी। हम जा रहे हैं मक्स इंस्टीट्यूट। चलो जी चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान की बहुत बड़ी हस्ती जनाब हारिस भाई। हारिस भाई, सुना है कोई कोर्स वोर्स करवा रहे हैं एक्टिंग का, हमें भी दें और हम भी आना चाहते हैं। तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं मतलब अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसके बारे में बता दें, और दूसरा ये बता दें कि किस तरह के कोर्सेज आप करवा रहे हैं। लिब्रा स्टूडियोज़ है जो हम फर्स्ट टाइम मुल्तान में लॉन्च कर रहे हैं, एक ऐसी अकेडमी जिसमें एक्टिंग, डांसिंग, डेमोनोलॉजी और उसके अलावा आप लोग सेट डिज़ाइनिंग, मतलब ये कोर्सेज हैं हमारे पास। और साथ में साइंसेज में इंटरमीडिएट, बैचलर्स और मैट्रिक है। और इसी के साथ साथ इसकी फीसेज बिल्कुल नॉर्मल है, लाइक एक्टिंग, डांसिंग एंड डेमोनोलॉजी की फ़ी 1500 है पर मंथ, और साथ में डेमोनोलॉजी की फ़ी है 2000। चलें जी हम पहुंच गए हैं अब जहां पर इवेंट होने लगा है, और ये है अन्ना और इसने हमें इनवाइट किया है और इसने हमारे साथ दुश्मनी निकाली है। ये देख सकते हैं कि सारी सीट्स खाली पड़ी हैं, हम आ गए हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो इस वजह से कि उनके फनकार हमेशा लेट आते हैं, दैट्स व्हाई लोग। ना सिर्फ इसमें हमारी टीम फनकारों को इनवाइट किया गया था, बल्कि इसके अलावा मुल्तान में जितनी भी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं उनमें से अक्सर को इनवाइट किया गया, और उनकी तरफ से हुई छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस और हमारे भी बच्चों ने परफॉर्म किया। इसमें हमारे असदुल्ला नज़ीर भी हैं और उसके अलावा हारिस भी थे। तो आइए देखते हैं इन सब की परफॉर्मेंसेस। Thank you.
इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म होता है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, सब चक्कर है भाई। मेरे बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये क्या चक्कर 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 लगाया हुआ है, तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लें, थोड़ा सा, ये चक्कर बहुत ही जल्द आपको समझ आने वाले हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा भाई, सब चक्कर है, क्या चक्कर। बाय बाय, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में।